पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 8 फरवरी के दिन उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के लिए बुरी खबर लेकर आया। सुबह होते ही दोनों राज्यों में जहरीली शराब ने 50 से ज्यादा मौतों ने दोनों सरकार को हिला दिया। सहारनपुर और हरिद्वार में ही दर्जनों मौत हो गई। लगातार हो रही मौतों के बाद दोनों सरकार एक्शन के मूड में आ गई और सभी जनपदों के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि नकली शराब माफियाओं पर तुरंत नकेल कसने की बात कही, जिसके चलते आज सुबह थाना सिविल लाइन पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने आदर्श कॉलोनी में छापेमारी की और हजारों किलो लाहन नष्ट करते हुए दर्जनों भट्टियां भी नष्ट कर दी। सिविल लाइन पुलिस ने इस चेकिंग के दौरान आदर्श कॉलोनी निवासी वंदना को गिरफ्तार कर उसके पास से 14 किलो से भी अधिक गांजा और लगभग 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। सर क्या मामला है पूरा? फकीरपुरा चौकी क्षेत्र में एक वंदना नाम की लेडीज है जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। 32 गांजे की और अन्य नशीले पदार्थ बेचती है, जिसके संबंध में हमारे चौकी इंचार्ज और थाना की टीम छापेमारी की, जिस इसके पास से 196,725 रुपये की नकदी बरामद की गई और 14 किलो के आसपास इसके पास से गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा ये गांजे को पैक करने के लिए पॉलीथीन और कुछ पैकेट्स प्राप्त किए गए हैं इसके पास से। हमारी टीम सब सेल करके इसके पास से जो नोट बरामद किए गए हैं उसमें 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 और कुछ सिक्के भी प्राप्त किए गए हैं। आप लोग जैसा इसमें देख भी रहे हैं जो सील मुहर कर लिया गया है और यहाँ हमारे पास इसके जो गांजे हैं उसका भी सील मुहर करके इस लेडीज महिला को जेल भेजा जा रहा है। सर गांजे की कितनी कीमत होगी और ये कहां कहां सप्लाई करती थी? इसके पास से जो लोअर और मजदूर वर्ग और रिक्शा ये लोग जो थे ये लोग आते थे इसके यहां से लेके जाते थे। ये पुड़िया इसकी कीमत 30 से 50 रुपए बता रही है इसमें सेल करती थी। एक राजू नाम का लड़का जो इसको सप्लाई करता था, हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। तो धरपकड़ कहाँ से हुई? इसके फकीरपुरा चौकी क्षेत्र से इसको पकड़ा गया है और ये बरामदगी उसके आवास के पास से हुई है। तो सूचना मिली थी? हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस इस समय जो अवैध शराब और अवैध ड्रग्स इस तरह की जो चीजें उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग इस तरह की और अभियान चलाएंगे, जो भी इस तरह की गतिविधि में लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। गांजे की जो कीमत होगी कितनी कीमत होगी? एक जैसे 10 ग्राम की कीमत बता रही है 30 से 50 रुपए में बेचती है। इसकी हमारे पास 14 से 15 किलोग्राम गांजा की बरामद हुई है तो 10 ग्राम की कीमत 30 से 50 रुपए है, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कीमत